वालेकुम मैं हूँ अमेरद और आज हाज़िर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ व्यूअर्स आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसलेट माइक्रोसॉफ्ट एच ब्राउज़र बिल्कुल यानी हम जब किसी ब्राउज़र में सर्च करते हैं किसी पे वेबसाइट को तो उसमें सारा तो होता है आपको पता है कि इंग्लिश में होता है तो इसको हम उर्दू में कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं और इसको हम कैसे रीड कर लेते हैं सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि तकरीबन 40-50 लैंग्वेज में उसको आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं और उसको वहीं से कॉपी भी कर सकते हैं और उसको अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये माइक्रोसॉफ्ट एच का ब्राउज़र मैंने ओपन कर दिया ये 2020 में अपडेट होने के बाद फर्स्ट पेज पर ये आर्टिकल वगैरह दे देते दे जो बड़े दिलचस्प होते और ये होते हैं इंग्लिश में तो हम अक्सर रीड कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश की वजह से हम उसको आसानी से रीड नहीं कर सकते हैं। और न इसको कॉपी कर सकते हैं लेकिन मैं आपके लिए एक आसान सा हल तो दे देता हूँ आप उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में भी ला के कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं ये ये मैं इस आर्टिकल को पढ़ना चाहता हूँ ठीक है तो ये आप गौर से देखिए है इंग्लिश में ठीक है या मिसाल के तौर पर ये मैं दूसरा कोई अब इसको मैं मिसाल के तौर पर मैं ये पूरा पेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ लेकिन मैं फिलहाल इस चीज यहां पर क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबे हो जाएगा तो इसी पर जहां पर आप ट्रांसलेट करना चाहते उसी को आप हाईलाइट कर दें या मिसाल के तौर पर इसको भी छोड़ दे मैं एक ऐसा आर्टिकल तलाश करूंगा जो सिर्फ रीडिंग में आसानी हो अब मिसाल के तौर पर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ ठीक है इस टॉपिक को तो इसी पर आप रेड माउस क्लिक करके और ओपन ए मेल रीडर आप उसी पर आप क्लिक कर दे क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा ठीक सबसे पहले आप जाकर इसकी ट्रांसलेट आप कर दें ट्रांसलेट आप जाकर रीडिंग प्रफ्रेंसिस पर आप क्लिक करोगे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले पर है लाइन फोकस ये पोकसलाइन कर लेते दूसरा है पिक्चर डिक्शनरी और चौथी पर है ट्रांसलेट अब मिसाल के तौर पर मैं ये सब उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कर दे इसमें ये तमाम जुबानें मौजूद है तकरीबन काफी सारे लेकिन मुझे चाहिए उर्दू में आप उर्दू सेलेक्ट कर दे और यहां पर ट्रांसलेट इंटायर आप ओपन ऑन कर दे हो गया ट्रांसलेट ठीक ट्रांसलेट ये यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से आप ये हाईलाइट करके यहाँ से कॉपी कर दे कॉपी करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एम एस ऑफिस पर आ जाए और यहाँ पर वी कर दे इसको आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसी तरह आप अकेले उर्दू नहीं आप अरबिक में भी कर सकते हैं। ये अरबिक में आ गया आप हिंदी में भी कर सकते हैं, ये हिंदी में भी आ गया इसी तरह आप किसी भी ज़ुबान में आप उसको रीड कर सकते हैं अब मिसाल के तौर पर मैं क्या पोज ओपन कर लेता हूँ ठीक है अब मैं उसको यहाँ से मेरे और रीडर पर करता हूँ पेज यहाँ से आप ग्रामर टूल पर जाकर यहाँ पर आप नाउन ये इसमें जो कलर आ गए ये ना इसमें वर्ब कितने हैं ये रेड कलर पर ये वर्ब आ गए इसमें ऑब्जेक्टिव कितने हैं इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है और इसमें आप जब किसी मज़मून को आप करोगे तो इसमें ये एडवर्ब भी आ गया तो ये आप में किसी अच्छी सी टॉपिक पर आप जाकर ताकि इसमें एडवर्क वगैरह सारे नजर आ जाएंगे अब मैं इसी पूरे पेज को यहाँ पर कॉप कर देता हूँ हाईलाइट और यहाँ पर एम अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्रेफरेंस में जाकर इसकी बैकग्राउंड जो भी आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप बड़ा से बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पर आप ग्रेमर टूल में जाकर अब यहाँ पर नाउन ये सारे नाउन है इसी में ठीक इस है ये कलर चेंज हो गया पिंक कलर का इसमें वर्ब के कौन से हैं ये रेड कलर जो है ना सारे वर्ब है इसमें ऑब्जेक्टिव कितने हैं ये ग्रीन कलर जो नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव है और इसमें एडवर्ब कितने है? ये एडवर्ब अच्छा ये हो गया यहाँ पर ट्रिक्स गया हाँ पर डिजीज after इन and आफ्टर does not एंड expect... ही आप भी ये पढ़ भी सकते हैं कि आपकी अल्फास की जो ना प्रोनाउंसिएशन आपको जो ना ये सारे बता देंगे लेकिन हमारा असल टॉपिक क्या था वो था ये है लैंग्वेज ये है उर्दू ये है हमारा असल टॉपिक आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते सॉरी कॉपी भी कर सकते और अपने इस्तेमाल में भी लिख जा सकते हैं। ये था आज का मेरा टॉपिक बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़